नमस्कार दोस्तों, मैं स्वयं सिंह बिहार से, आप देख रहे हैं BPDM यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज की वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आप किसी भी स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हैं ऑल इंडिया में, यदि आप कहीं भी अभी स्टूडेंट हैं, आप चाहे तो आप टेंथ अभी पास नहीं किए हैं, टेंथ के पहले पढ़ रहे हैं, या फिर टेंथ पास करके इंटरमीडिएट कर चुके हैं, या फिर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। जी हाँ, ये वीडियो स्कॉलरशिप के लिए है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो है स्कॉलरशिप अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं। लगभग एक महीना पहले ही इसका जो है शुरुआत हो चुका है। बहुत से लोग जो है इसके बारे में नहीं भी जानते हैं, बहुत से छात्र इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आया हूँ कि आप जो है स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, और क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म भरने के लिए, वो चीज़ मैं इस वीडियो में आपको पहले बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप जैसे ही गूगल के वेबसाइट पे जाए, सर्च इंजन में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको NSP सर्च करना है, तो आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो है एक वेबसाइट खुल के आ जाएगा। ओके, तो स्कॉलरशिप आपका वेबसाइट से आप सर्च करना चाहें तो scholarship.gov.in यदि सर्च करते हैं आप, तो भी आपका खुल जाएगा। तो आप सिंपली NSP सर्च कर सकते हैं तो खुल जाएगा। इस स्कीम में जो है आपको अलग अलग स्कॉलरशिप स्कीम मिलता है इस वेबसाइट पे, और अप्लाई करने के पहले जो है आपको जो है एक चीज बात का ध्यान रखना है कि आपका जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वो जो है NSP के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपने इंस्टीट्यूट को, अपने कॉलेज को, अपने यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर इस यूनिवर्सिटी का जो है आप NSP से रजिस्टर करवा लीजिए, क्योंकि रजिस्टर कराना बहुत आसान है। कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है यदि उस पर अपने अप्लाई करती है तो एक सप्ताह के अंदर ही रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाती है। इस वेबसाइट पर किस किस प्रकार का आप स्कॉलरशिप के लिए, किस किस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आप अप्लाई करेंगे और क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध होता है वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जो है आपको सेंट्रल स्कीम, मतलब सेंट्रल लेवल के हर एक स्कॉलरशिप जो है यहाँ पे अवेलेबल होती है। यहाँ पर UGC का स्कॉलरशिप जो भी आता है वो भी उपलब्ध होती है, और यहाँ पर हर एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी स्कॉलरशिप चलाए जाते हैं इस वेबसाइट्स के जरिए आप भर पाएंगे। मतलब कि यहाँ पे आप हर एक स्कॉलरशिप भर पाएंगे, चाहे सेंट्रल लेवल का हो, UGC का हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो। यहाँ पे जो है मैं आपको खास बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप टेंथ के पहले हैं तो आपको यहाँ पे प्री मैट्रिक करके स्कॉलरशिप आता है, उस लेवल का आपको भरना होगा। और यदि आप टेंथ पास कर चुके हैं, ट्वेल्थ में हैं, या फिर ट्वेल्थ पास भी कर चुके हैं और अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर कोई भी वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो आपको जो है पोस्ट मैट्रिक में अप्लाई करना होगा। उसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए उसमें अप्लाई करने के लिए, वो पहले मैं आपको बता दूँ। इसमें जो है आपको अपना जो भी आपका सर्टिफिकेट, यदि आप टेंथ पास कर चुके हैं तो आपका टेंथ का सर्टिफिकेट, ट्वेल्थ पास कर जाए तो ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। प्लस में खास बात एक और है कि आप जो भी कॉलेज से या यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं या जहां से पास कर चुके हैं वहां का आपका हर एक पेमेंट रिसिप्ट होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपको अपलोड करना होता है यहाँ पे। ओके, और आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके ब्लॉक के द्वारा इशू किया जाता है, बनता है, और साथ ही साथ आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस जाति से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो है आप यदि जनरल कैटेगरी में हो, OBC में हो, SC में हो, या ST कैटेगरी से हो, तो यहाँ पे एक खास बात यह है कि जनरल वालों को लिए भी ये भरने का जो है परमिशन मिलता है। खास बात यह है कि उनका इनकम जो है एक लिमिट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इनकम है तो आप नहीं भर पाइएगा। तो यदि आप जनरल कैटेगरी से भी हैं, आपका इनकम कम है, फैमिली का इन्वॉल्व, तो उस आप अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको हर एक वो बात बताएंगे किस तरह से जो है फॉर्म भरना है। तो फॉर्म किसी भी फॉर्म भरते हैं तो उसका जो है पहले, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है मेरे दोस्त। तो इस वीडियो में आपको मैं रजिस्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगा किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है और फॉर्म को कैसे भरना है, वो सब बात यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे, किस तरह से वेबसाइट को लॉगिन करना है और किस तरह से जो है रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, चलते हैं इस अब सीधे वेबसाइट पे। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, अब मैं सीधे अपना डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं। यहां पे आपको भी एक ब्राउजर खोल लेना है, उसमें आपको गूगल ओपन करके सर्च करना है NSP। ओके, जैसे आप लिख के सर्च मारते हैं तो यहाँ पे NSP का वेबसाइट निकल के आ जाता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यही वेबसाइट है।
और इस वेबसाइट पे आपको जो है अलग अलग प्रकार के स्कॉलरशिप प्रदान किए जाते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेंट्रल स्कीम, UGC, AICTE स्कीम और स्टेट स्कीम यहाँ पे है। और अलग अलग कैटेगरी के देखिए यहाँ पे लिखा गया है कैसा कैसा जो है यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करने का मौका मिलता है। मतलब कि आप ऑल इंडिया में कहीं भी यदि पढ़ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि भाई हर एक स्कीम, माइनॉरिटी हो या पोस्ट मैट्रिक हो, प्री मैट्रिक हो, या फिर आप टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग राज्य के यहाँ पे जो है हर एक स्कॉलरशिप स्कीम आपको मिलती है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे स्टेट लेवल का भी हर एक स्कॉलरशिप उपलब्ध है। तो आपको मैं अब बताऊंगा किस तरह से जो है इसमें अप्लाई करना है। अप्लाई करने के पहले आपको सर्च कर लेना है आपका इंस्टीट्यूट जो है NSP की वेबसाइट पर रजिस्टर है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर्च फॉर इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैं क्लिक करके अपना सर्च कर रहा हूँ। तो देखिए अब पोर्टल खुल के आ चुका है मेरा जो है यहाँ पे सर्च करने का कि मेरा जो है रजिस्टर्ड है कि नहीं इस वेबसाइट पर मेरा जो है कॉलेज जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए मैं अपना यहाँ पे चूज कर ले रहा हूँ जो भी यहाँ पे स्टेट चूज करना है। तो जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो कॉलेज है वो राजस्थान में है, तो मैंने राजस्थान चूज किया है। यहाँ पे कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पे अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो भी चूज कर लेना है यहाँ पे। तो राजस्थान में जो है मेरा जो है कोटा में पड़ता है, तो मैं वहाँ पे कोटा जो है वहाँ पे चूज कर लूँगा। और इसके बाद जो है इंस्टीट्यूट जो है स्कूल है या कॉलेज है, तो कॉलेज है मेरा, तो मैंने कॉलेज चूज किया। और वहाँ पे जो है अब मेरा जो है कॉलेज का नेम डालना है, ये ऑप्शनल है लेकिन मैं यहाँ पे डाल लीजिएगा तो कुछ ईजी होता है। तो मैं अपना डाल ले रहा हूँ करियर पॉइंट। और इसके बाद जो है जैसे ही मेरा जो है फिलअप हो जाएगा तो मैं यहाँ पे जो है एक कैप्चा कोड होगा उसको डालूंगा। तो मैं अब इसमें जो है अपना डाल ले रहा हूँ, वेट कीजिए थोड़ा सा। तो मेरा जो है अब देखिए हो चुका है और मैं जो हूँ अब वो नीचे कैप्चा कोड डालूंगा। तो स्क्रॉल करके मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। तो मैं यहाँ पे जल्दी से अपना कैप्चा कोड डाल लेता हूँ दोस्त। जैसे मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डालूंगा ना, उसके बाद मैं सर्च करूंगा कि मेरा जो है इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे रजिस्टर है कि नहीं, तो वो शो कर देगा नीचे टॉप 10 लिस्ट। ओके, उससे रिलेटेड जितने भी 10 कॉलेज होंगे उसका जो है लिस्ट आ जाएगा यदि होगा तो, नहीं तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड या नॉट रजिस्टर्ड लिखता है यहाँ पे। तो देखिए मैं अब यहाँ पे चेक कर रहा हूँ और देखिए मैंने यहाँ पर सर्च किया तो देखिए मेरा आ चुका है यहाँ पे इंस्टीट्यूट रजिस्टर ऑन NSP KYC स्टेटस अप्रूव। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कौन कौन से डिग्री के लिए पढ़ाई होता है सब चीज़, यहाँ पे कौन कौन से डिग्री के लिए अप्लाई करना है सब आ चुका है। तो मैं यहाँ अब अप्लाई करूँगा अपना क्योंकि मेरा यहाँ प्रूफ है। तो आप भी अपना चेक कर लीजिएगा पहले जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वो यहाँ से है कि नहीं रजिस्टर। नहीं होगा तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा कि सर इस पे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए क्योंकि हमें स्कॉलरशिप फॉर्म भरनी है। तो चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, तो गाइज हम लोग जो है अब न्यू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, न्यू यूजर रजिस्टर आप देख रहे हैं यहाँ पे, उस पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल आ जाता है। तो इसको जो है पढ़ लेना है आपको, और पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पे देख रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा, जरूर से जरूर जो है आपको इसको पढ़ लेना है पॉज करके। ओके, और जब हम पढ़ लेंगे तो नीचे जो है अब हमें अंडरटेकिंग का एक आएगा फिलअप करने के लिए, उसको टिक करना होता है सिर्फ, और टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अंडरटेकिंग का मतलब आप सब पढ़ लिए हैं और इससे संतुष्ट हैं, सब जानकारी आपको हो चुकी है इसके बारे में, तो कुछ इसमें ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू करना है। ओके, तो अब कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए क्लिक करते ही देखिए खुल के आ चुका है फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। तो इसमें जो है आपको अब भर लेना है, आपको फिलअप करना है अब स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। मैं यहाँ पे फिलअप करता हूँ, आपको भी इसी तरह से कर लेना है मेरे गाइस। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना स्टेट बिहार चूज कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं किस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैं एक बिहार से हूँ, बिहारी हूँ, तो मैं बिहार अपना चूज कर लिया। और स्कॉलरशिप की यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक, तो मैं पोस्ट मैट्रिक करूँगा क्योंकि मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो 10th पास ही हो गया ना, 12th भी कर चुका हूँ, तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक करना है। यदि आप 10th के पहले हैं तो प्री मैट्रिक करिएगा, उसके बाद है 10th के तो आपको पोस्ट मैट्रिक करिए। उसके बाद मेरा स्टूडेंट नेम जो है, तो मैं अपना स्टूडेंट नेम डाल ले रहा हूँ जो भी है मेरा। ओके,
द नेम ऑफ स्टूडेंट में अपना नाम मैं डाल ले रहा हूँ। अब इसके बाद जो है अब डेट ऑफ बर्थ जो है इंटर कर लेना है, तो आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। मैं भी यहाँ पर जो है अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो फिलअप कर ले रहा हूँ। ओके, और अब जो है मैं यहाँ पे अपना फिलअप कर रहा हूँ, उसके बाद जो भी स्टेप है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो मेरा हो चुका है। अब मोबाइल नंबर जो होता है वो मैं अपना एंटर करूंगा। आप वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा जो आपका अभी एक्टिव है, चालू है, क्योंकि इस पे जो है ओटीपी आता है मेरे गाइस। ओके, तो आप अपना चालू मोबाइल नंबर और अपना ही मोबाइल नंबर दीजिएगा, पेरेंट्स का नहीं। इसके बाद जो है स्कीम टाइप चूज करना है, तो स्कॉलरशिप स्कीम है मेरा यहाँ पे, और जेंडर यहाँ पे मेल है, और ईमेल आईडी भी डाल लेना है, और ये भी जो है ईमेल आईडी अपना ही डालिएगा क्योंकि इस पे भी आपका यूजर नेम और पासवर्ड आता है। ओके, तो ये एक्टिव डालिएगा कि ईमेल आईडी आपका सही हो, मिला लीजिए एक बार। और मेरा जो है ईमेल आईडी अभी इंटर हो चुका है, और इसके बाद जो है मैं अपना यहाँ पे बैंक डिटेल डालने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि जो है आगे की ओर खुल के आ चुके हैं। बैंक का आईएफएससी कोड डालना है, तो मेरा जो भी बैंक अकाउंट है उसका आईएफएससी कोड जो है मैं यहाँ पे डाल ले रहा हूँ। उसके बाद कंफर्म करना है आईएफएससी कोड को, तो मैं फिर से अपना जो है आईएफएससी कोड बैंक का डाल दे रहा हूँ। उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है गाइस, तो मैं यहाँ पे अकाउंट नंबर भी अपना डाल ले रहा हूँ। और यहाँ पे फिर जो है कंफर्म करना है अकाउंट नंबर को, तो मैं फिर से अपना रीएंटर कर रहा हूँ अकाउंट नंबर को, तो अभी अपना डाल लीजिएगा। और इसके बाद बैंक का नाम ऑटोमेटिक ले लिया है एफएससी कोड के अनुसार, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल का रहा, तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल लिया हूँ। उसके बाद जो भी है तो उसका आधार नंबर आपको डालना होगा। तो यहाँ पे आपके पास यदि आधार कार्ड नहीं होता है तो पासबुक का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड बेटर है आपके लिए। आधार कार्ड जरूर होगा तो डालिएगा। ओके, आधार कार्ड ज़्यादा अच्छा है, तो आधार नंबर मैं यहाँ पे इंटर कर ले रहा हूँ अपना। उसके बाद कैप्चा कोड डाल लेना है मेरा दोस्त। ओके, तो मैं यहाँ पे कैप्चा कोड देखिए यहाँ पे इंटर कर चुका हूँ, और जो तीन को आपको टिक दिख रहा है टिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपका जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप स्टूडेंट एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे आ चुका है मेरा सक्सेसफुली, यहाँ पर लिख रहा है रजिस्टर सक्सेसफुली। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे की प्रोसेस पूरा करना होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको आगे की ओर नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो आपको जो है आप जरूर देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, और आपको जो है उसमें मैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना वो बताऊंगा। तो ये सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। तो गाइज आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से है रजिस्ट्रेशन करना है एनएसपी के वेबसाइट पे। तो और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से जो है अब इसको जो है अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है फर्स्ट स्टेप होता है आपका किसी भी फॉर्म भरने के लिए। सेकंड स्टेप जो है आपको अप्लाई करना होगा, उसके लिए आपको इसेंशियल डॉक्यूमेंट जो चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर वन है आपका जो है एक फोटो होना चाहिए कलर में, आपका जो है सिग्नेचर होना चाहिए, और उसके बाद आपको अपना जितना भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है ओरिजिनल मार्कशीट, जैसे 10th का 12th पास कर चुके हैं तो 12th का भी, और आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, प्लस में आपका इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। खास बात एक और है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का भी आपके पास जो है जिसे बोलते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट वो भी होना चाहिए उस इस फॉर्म में आगे के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये कुछ खास डॉक्यूमेंट है, तो ये आपके पास होना चाहिए। और जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोग जो है इस स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं। और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।